यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही नाम पर 25 फर्जी महिला टीचर्स की तैनाती का मामला आपको याद होगा, जिसने शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार की कलाई खोल कर रख दी थी। लेकिन अब लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विभाग के 353 कर्मचारी नदारद मिले हैं। दरअसल शिक्षा निदेशालय के मुताबिक लखनऊ जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में कुल 8,337 लोगों का स्टाफ है, जिनमें से 8,155 कर्मचारी फिलहाल काम कर रहे हैं। डायरेक्टरेट के मुताबिक इन 8,337 कर्मचारियों में से 7,688 लोगों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपना वेरिफिकेशन करा लिया, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने जानकारी दी कि अब तक 353 कर्मचारियों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया, जबकि लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन हो चुका है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि 353 कर्मचारियों ने वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया। वहीं अब शिक्षा निदेशालय ने कहा कि अगर कर्मचारियों का वेरिफिकेशन 17 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी जाएगी। काफ़ी समय से हम बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि वो जितने शिक्षक हैं और अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं, उनका सारे सर्विस रिकॉर्ड अपलोड करें। हमने ये उनको स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित समय के अंतर्गत वो अपना डेटा वेरीफाई नहीं करते हैं, सर्विस रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ हमारे यहाँ जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पे नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, उनकी जांच कर रही है। तो अगर ये लगता है कि इनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और उसमें कोई चीज़ संदिग्ध है, तो उसको हम एसटीएफ को भेज के जांच कराने का सोचेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 18,000 कर्मचारी, शिक्षक और अन्य स्टाफ इस समय निदेशालय के रडार पर है। ये वो लोग हैं जिनका अभी तक डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। मानव संपदा पोर्टल पर इनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। बहरहाल निदेशालय ने सभी बीएसए को स्पष्ट कर दिया है कि अगर 17 दिसंबर तक इन लोग का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उनकी सूची संदिग्ध मानते हुए एसटीएफ को सौंप दी जाएगी। देखना होगा कि अंतिम तिथि तक कितने लोग इस सूची में वेरीफाई होते हैं और कितने संदिग्ध होने के बाद एसटीएफ की सूची में चढ़ते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।